So the thing is that what I am going to do right now, I love two things, keep practical. So what I am going to do right now, I will play a scene of a movie in front of you. मैं आपके सामने एक movie का scene play करूंगा आपको उसे देखना है पहले एक बार उसे हिंदी में देख लेना उसके बाद उसे इंग्लिश में देख लेंगे साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे हमारी थिंकिंग की जर्नी में रेडी ओके सो जस्ट गिव मी Let मी चेंज द स्क्रीन लेट मी स्विच इट आई थिंक द न्यू स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ इट इज वेल एज़ यू कैन सी अवरीबडी दस सेकेंड का सीन है सिर्फ ध्यान से देखना कुछ भी नहीं करना अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, यू जस्ट है खरीदेंगे कान खोल के सुन लो लड़के अगर खुराफात की तुम्हें तो देख लेना एक हफ्ते तक तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा चल अंदर सुनो कान खोल के सुन लो लड़के अगर तुमने खुराफात की तो सोच लेना एक हफ्ते तक खाना भी नहीं मिलेगा आप में से कितने लोग ये डायलॉग को सुन पाए और जो लोग नहीं सुन पाए उनके लिए मैंने बोल दिया कान खोल के सुन लो लड़के उन अंकल ने उस बच्चे को क्या बोला कान खोल के सुन लो लड़के अगर खुराफात की तुमने तो सोच लेना एक हफ्ते तक खाना भी नहीं मिलेगा आई द चैट बॉक्स क्या आपने वो डायलॉग सुना यस सुनो वर यू एबल टू लिसन टू दैट डायलॉग नाउ अब देखो यहां से समझना शुरू करो आपका माइंड बिहेव कैसे करता है जब भी कोई थॉट आता है आपका माइंड बिहेव कैसे करता है कोई भी वर्ड सोचते हो एवरीबडी है ना अब जैसी आता है हम कुछ सोचते नहीं हम सोचते हैं बस कि ये लाइन है हम इसके इंग्लिश वर्ड ढूंढना चालू कर देंगे एम आई करेक्ट एक बार ट्राई करो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कान खोल के सुन लो लड़के फिर मैं आपको सिखाऊंगा हरिअप गिव इट अ ट्राई फिर अपन आई I मीन mean, इस डायलॉग को मैं लास्ट में सिखाऊंगा क्योंकि उससे पहले कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको प्लीज गो ऑन गलत होगा मैं करेक्ट करूंगा एवरीबडी गलती करने से नहीं डरना है बट अगर करेंगे ही नहीं गलती करेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे नहीं लाइक like, जब चलना सीखा था तो बहुत बार आप गिरे थे इट्स फाइन देन तभी आप आज चल रहे हो अगर आप सोचते कि मैं स्टार्टिंग में दौड़ू तो एवरीबडी आज आज भी आप बैठे ही होते कहीं पे तो गलती करो एक बार ट्राई तो करो बचपन से इट ड मैटर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कुछ तो इंग्लिश पढ़ा है गलत भी होगा तो जब मैं सही पढ़ाऊंगा तो जिंदगी भर याद रह जाएगा वो ये गलती करी थी क्लियरली हियरिंग बॉय बिप्लाग बोल रहे हैं ओके हे बॉय लिसन टू मी ओके सीनू लिसन टू मी केयरफुली अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनीथिंग टू इट वेरी गुड नुसाहस्टिक लिसन केयरफुलेरी गुड मनीषा ट्राई करो एवरीबडी गिव इट इट ट्राइम मजा आने वाला आज कैसे बोल सकते हैं इंग्लिंग्विश में कान खोल के आरती सिंह लिसन टू मी केयरफुलीट्स गरती ओके ओपन यूर इयर्स एंड लिसन टू मी वेरी गुड शिवी

ऑडियो इंग्लिश विद आई एम एनेबलिंग सब टाइटल्स एज वेल तो अगर एक्सेंट नहीं समझ में आया कि उसने डायलॉग क्या बोला है तो एटलीस्ट आप उसे पढ़ सकते हो यू कैन रीड इट आपको नीचे लिखा हुआ भी आएगा डायलॉग क्या ठीक है आई एम गोइंग टू प्लेट ध्यान देना कान खोल के सुन लो लड़के

ट्रांसलेशन की मदद से वो जो डायलॉग आपने यहाँ पे देखा क्या वो सेम है या अलग अलग है ऐसा नहीं है एवरीबॉडी आपकी इंग्लिश गलत गई है बट द थिंग इज दैट सारी चीजें बदल गई एक ही बार में एवरीबॉडी यही रीजन है ना दिस इज दोल रीजन कि इंग्लिश आते हुए भी डर लगता है इंग्लिश आती है या नहीं आती है This is the sole reason. That's why you are not confident when you are talking to someone. वेर यू आर प्रजेंटिंग समथिंग बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है आप अपनी बात को रखोगे तो सामने वाला क्या समझेगा क्योंकि आपने तो ट्रांसलेट कर दिया है एक वर्ड को उठा के दूसरे को रख दिया आपको कुछ महसूस थोड़ी ना हुआ कि आप कहना क्या चाहते हो और जब तक वो चीज महसूस नहीं होगी एवरीबडी तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका सेंटेंस सुनने के बाद सामने वाले को क्या फील हो रहा है वो क्या समझ रहा है क्योंकि आप तो इधर से से ट्रांसलेट कर रहे हो आपको ये नहीं पता कि वो क्या फील कर रहा है दैट्स कि, yes, no. में में कि ये डायलॉग बना कैसे आपको पूरा पढ़ाने के बाद रेडियो हर एक चीज क्योंकि बिना पढ़ाए मैं एकदम कैसे सिखा दू आपको बट पहले मैंने आपको चीजें दिखा दी कि गलती कहां पे होती है सो वी आर जस्ट गोइंग बैक एट आर पीपीटी जस्ट मिनट

वन थिंग फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डू टुडे मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूं आपको ठीक है क्योंकि जब आपने हिंदी सीखी थी तो कोई अलग से आपके मम्मी पापा ने बोला था कि बेटा मैं आज तुम्हें हिंदी का ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ so? आपने महसूस करा था एवरीबडी डायरेक्टली उन्होंने कुछ बोला यू फेल्ट दैट थिंग तो वो चीज आपके अंदर तक चलेगी जब दूसरी बार वही चीज महसूस हुई तो आपने डायरेक्टली बोल दी यू डोंट नो एनी नेम तो पढ़ाने के बाद मैं नाम बता दूंगा कि क्या पढ़ा है रेडियो चलो ठीक है फोकस आपका सिर्फ ऐसा रहना चाहिए मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स ठीक है सो जस्ट फील एंड देन स्पीक मुझे यह नहीं पता ये क्लास कितनी देर चलेगी एवरीबडी जब तक मैं पढ़ाता रहूं मुझे मजा आएगा आप सीखते रहोगे देर आर मैनी दैट वी आर गोइंग टू कवर स्कूल जैसा सेशन नहीं होने वाला है कि आप नोट्स बनाओगे पेन और पेपर है साइड में रख सकते हो आपकी मर्जी लिखना है तो लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं पेन और पेपर को सजेस्ट नहीं करता हूँ इफ यू वॉन्ट आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कुछ जरूरत लगता है ओके सो नाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर फर्स्ट थॉट इन इन माइंड इंग्लिश इंग्लिश जो कि में लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है बट आप ऐसे सीख जाओगे अगर सोचोगे तो रेडियो ओके सो उसके लिए क्या करना रहेगा आपको सिर्फ ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा कि मैं पूछ क्या रहा हूं और उसका आंसर आपको करना रहेगा अगर आपने आंसर कर दिया चीजें समझ में आ जाएगी आंसर नहीं कर पाए ऊपर से निकल जाएगा तो आंसर जरूर करता है एवरीबडी ओकेट वंस अगेन बिफोर टीचिंग यू आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट जितने भी लोग लेट आए दो जो इन लेट, टाइप अगर आपने अपना नैमो नंबर अभी तक ड्रॉप नहीं किया प्लीज अपना नैमो नंबर ड्रॉप कर देना क्योंकि अदरवाइज मैं पहचान नहीं पाऊंगा जैसे आप, आप इन्फेक्स लिखा आ रहा है वन प्लस लिखा रहा है तो मैं बाद में मुझे बहुत दिक्कत होगी पहचान नए में सो दट वाई आप प्लीज अपना नैमो नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा ठीक है और अगर आप लोग चाहते हो तो कैमरे पे आ जाओ वन टू वन कॉन्वर्सेशन होने वाला है हमारा ओके गाइस

तो एक कंडीशन में आपको देता हूं जरा सोचो ठीक है आंखें बंद करो अपने प्लीज आंखें बंद करो सोचना देखो एवरीबडी ये सेशन तो आज पहली बार है जरा समय में पीछे जाओ और बजे के बारे में सोचो व्हाट डिड यू डू एट एट आठ बजे आज आपने क्या किया देखो आज आठ बजे आपको लिंक रिसीव सात पचास से आठ पे यू टूक यूर फोन आपने अपना फोन लिया ओपन डेट उसे खोला और क्लास ज्वाइन कर ली और यहाँ पे थोड़ा सा वापस पीछे चलते अगर आज आठ बजे आपको लिंक आई ही नहीं होती अगर हमारी बात हुई ही नहीं होती अगर ये ये आज क्लास होती नहीं तो फिर जरा सोचो आप आज आठ बजे क्या करते अपने माइंड में जाके सोचो कि अगर ये एक्शन नहीं हुआ होता क्लास जो इन की होती तो पूरे माइंड में पिक्चराइज होने दो लाइक like डायरेक्टर कि आज आठ बजे आप करते क्या बस एक बार वो चीज माइंड में देख लो वो छोटी हो सकती बड़ी हो सकती हो सकता आप सोफे पे बैठ जाते जाके या आप टीवी देख लेते या दोस्त के साथ घूमने चले जाते खाना बना लेते खाना खा लेते इट कुड बी एनी वर्क बट एक बार उसको करते हुए देखो कि मैं ये करता और प्लीज उसे लिख दो चैट बॉक्स में सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे प्लीज गो ऑन अप पहले सोचना है लिखना है क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे तो बोलोगे कैसे क्योंकि आपके माइंड को ही नहीं पता है कहना क्या है हरि अप एवरीबडी आई नीड आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू गो ऑन हरि अप स्क्रोल द इंस्टाग्राम रील्स वेरी गुड जैमीन फैंटास्टिक बाकी लोग क्या करते ओपन माई टीवी चलो ठीक है शेयर

वेरी गुड अर्शद आठ बजे स्टडी करते हैं थोड़ा सा अलग हो गया बट ठीक है चलेगा माही सही है कोई प्रॉब्लम नहीं बट डूइंग हाउस होल्ड वर्क वॉचिंग टीवी गोवन कंप्लीट माई कॉलेज वर्क विथ म्यूजिक ओके श्रेया गोवन हरिअप्री आरती कह रहे हैं कि सर असाइनमेंट कर लेती मैं ठीक है चलो ठीक है नाउ एवरीबडी आई होप सभी ने सोच लिया है गॉड इट कुछ लोगों ने टाइप करा कुछ ने नहीं टाइप किया बट जिन्होंने टाइप नहीं किया एटलीस्ट उन्होंने सोचा तो होगा ही होगा आई होप सो नाउ अब देखो आपने एक चीज सोची है ना ये जो सोचा है हमें इसे बोलना आना चाहिए इंग्लिश में कि मेरा माइंड जो चल रहा है अगर मैं अपने हर एक थॉट को वर्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना सीख गया तो मुझे और क्या चाहिए यही तो हमारा एंड गोल है

आप समय में गए देखो अपने बारे में सोच रहे हो इंग्लिश के अंदर एक रूल जो मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे ये सही लगता है वन वर्ड एट ए नो बडी कैन स्पीक द होल सेंटेंस इन वन गो नो बडी कैन थिंक होल होलटेंस इन वन गो कोई भी इंसान एक बार में पूरा सेंटेंस नहीं सोच सकता अगर वो सेंटेंस नया है तो अगर वो सेंटेंस नया है तो और आपके लिए तो सारे ही सेंटेंसेस नए हैं क्योंकि देखो जो सेंटेंस आपने लाखों बार बोले लाइक हिंदी के

आप समय में पीछे गए फर्स्ट थिंग दैट यू डिड अब देखो समय में आप पीछे गए और उसके बाद दोबारा आगे बढ़ गए आप बजे तक गए थे और आठ बजे से फिर आगे बढ़ गए थे अपना एक स्टेप बताया आपने कदम बढ़ाया कि सर मैं ये काम करता तो जब अपन समय में पीछे जाते हैं ना और फिर मतलब थॉट में समय में पीछे जाते और अपन सोचते कि मैं ये काम करता इट इतने समय में पीछे जाके आप आगे बढ़ रहे हो लाइक like, कि सर अगर क्लास नहीं होती तो मैं घूमने निकल जाता सर क्लास नहीं होती तो खाना बनाती क्लास नहीं होती तो खाना खा लेती रील्स देखती वीडियोस बनाती कुछ भी आप काम करते आप समय में पीछे गए और आप आगे बढ़े हो एवरीबडी ये जो फीलिंग है ना समय में पीछे जाने की और जैसे ये फील होता है कि मैं कुछ काम करता समय में पीछे आगे बढ़ना इस फीलिंग को बोलते हैं वुड अभी पूरा नहीं सिखाया है इतना पार्ट आपने अपनी फीलिंग क्योंकि आपको सबसे पहले पर्सन माइंड में आएगा फिर आपके माइंड में आएगी फीलिंग तो आप क्या फील कर रहे हो उस फील को समझाना सीखो तो जैसे ही आपके मन में यह ख्याल आता है कि कोई भी इंसान समय में पीछे हो आप हो या कोई हो और वो इंसान कुछ करता समय में पीछे कि वो ऐसा करता जो उसने रियल में नहीं करा है, बट आप हॉप कर रहे हो तो वहां पे आता है वुड जैसे हम हकीकत में आगे बढ़ते हैं तो विल लगता है सिमिलरली जब समय में पीछे जाते हैं और किसी पॉइंट ऑफ टाइम से आगे बढ़ते हैं तो वुड लगता है दैस द सिंपल थिंग लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज क्लास नहीं होती आई वुड रीड समथिंग मैं कुछ पढ़ता एवरीबडी जैसे आपने क्या लिखा था सर आई वुड स्टडी सेंटेंस रटने की कोशिश मत करो एक एक चीज को फील करो आई क्यू आया खुद के लिए आया समय में पीछे हो जैसे ये फीलिंग आई वुड इतना तो एक बार मैं बोल दो और यहां पर रुक जाओ आई वुड कंटम्पलेट कंटम्पलेट का मतलब होता है एवरीबडी सोचना डीप में सोचना थिंक आई वुड थिंक अबाउट समथिंग आई वुड थिंक जो भी चीज आप सोचते जो भी चीज आपको लिखना हो लाइक आई वुड स्क्रोल देखो काम देखो हिंदी में बिल्कुल मत जाना द एक्शन दैट यू नीड टू डू इज दैट करते हुए देखो समय में पीछे गए आई खुद को देखा आई कुछ करते वुड जैसे ये फीलिंग आया वुड इसमें क्या सोचना आई वुड फिर हिंदी में फिर नहीं जा रहे हो आप सिर्फ अपना को एक्शन को देखो और उस एक्शन का नाम लेना है अब एक्शन के नाम अपन सीख लेंगे लाइक आई वुड क्या करते रील्स क्योंकि फोटोज को भी किया जा सकता है जो आपके गैलरी में रखे हुए हैं इट कुड बी एनीथिंग वहीं पे अपन हमेशा आई की बात क्यों करें अपन किसी और की भी बात कर सकते जैसे अगर मेरा फ्रेंड अभी यहां पे होता तो वो मुझे डिस्टर्ब करता लेट्स टेक एग्जांपल जस्ट नॉर्मली ही वुड डिस्टर्ब मी समय में पीछे जा रहा हूं मैं कि अगर वो होता फिर आगे बढ़ रहा हूं वो क्या करता ही वुड डिस्टर्ब लाइक like, एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बहुत बार हुआ है आपके दोस्त बोलते तुमने मुझे बताया नहीं आप बोलते मुझे पता ही नहीं था नहीं तो मैं तुझे बता देता कितने लोगों ने ये चीज फेस करी अपनी लाइफ में आपके फ्रेंड को कुछ बताना था और आपने नहीं बताया वो बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बताया डेफिनेटली जैमिन I mean. एग्जांपल के तौर पे लेट्स टेक एन एग्जांपल जैसे आपके फ्रेंड को बोल रहे हो कि भाई मुझे नहीं पता था कि तुझे इस बारे में नहीं पता अगर मुझे पता होता उस टाइम पे कि तुझे नहीं पता है तो मैं तुझे तभी बता देता समय में पीछे आई वुड इन्फॉर्म यू कभी ऐसा हुआ है कि डर लगा यार पापा मुझे डांट देता अगर वो देख लेता तो हो सकता आपने कोई गलती कर दिया कोई चीज तोड़ दिया कुछ बोल दिया और आपने देखा किसी ने देखा तो नहीं मुझे हैज बोलते ना बच गया यार नहीं तो पापा बहुत डांटते या बहुत या मम्मा बहुत डांटती दीदी दैट्स द थिंग वेरी गुड न साहिबा वेरी गुड देखो समय में पीछे जा रहे हो बस माइंड में इतना थॉट रखना है कि समय में पीछे गए और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से आगे बढ़ रहे हो कि वो इंसान ऐसा करता हमें सोचने ही नहीं है बाकी कुछ चीजें हकीकत में आगे बढ़ना विल समय में पीछे जाके आगे बढ़ना वुड he would scold me that's the simple concept kitne logo ko ye cheez samajh mein aayi everybody just type c inside the chat box hum clear ka first letter c lenge yahan pe just type c inside the chat box if the topic is clear to you ha everybody please do let me know understood likho jameen मजा आ रहा है एवरीबॉडी आर यू ऑल एंजॉयिंग दिस पैटर्न क्योंकि बहुत डीप में मैं ले जाने वाला हूं अंडरस्टूड दैट्स करेक्ट देन वॉज दैट ईजी फॉर यू और डिफिकल्ट क्या कोई ग्रामर का रूल लिया है क्या हमने इट मीन्स सोच के बोलना पॉसिबल है ना एवरीबडी सोच के बोलना पॉसिबल है ना दैट्स ग्रेट देन हर चीज सोची जा सकती है हर चीज बोली जा सकती है इफ यू आर रेडी टू पुट इन वर्क दैट्स इट क्योंकि अगर एक बार ये चीज आ गई ना माइंड में एवरीबडी आप लाखों सेंटेंस बना लोगे बट रटोगे तो कितने बनाओगे सो दो सो चार सो रट सकते हो और कितना रटोगे फिर अटक जाओगे एक लिमिट है ना बट वंस यू हैव अंडरस्टूड द देयर इज नो लिमिट ऑफ दैट थिंग देखो एक इंटरव्यू का सीन बताता हूँ जयमिन बोल रही थी इंटरव्यू से रिलेटेड कितने लोग जॉब करते हैं यहां पे जस्ट आई आई या कॉलेज के लास्ट ईयर स्टूडेंट है हरिअप एवरीबडी ये डिफरेंट सेंटेंस है श्रेया मैं आता हूं

ओके मिसाइबा मींस यू हैव कोचिंग स्टूडेंट और समथिंग आई एम कॉलेज स्टूडेंट अ लगाओ कॉलेज e e -E की स्पेलिंग गलत है सो थिंग इज दैट देखो मैं आपको एक इंटरव्यू का सीन दिखाता हूँ थिंग इज दैट आपके सामने एक स्टोरी रख दी जाती है समझना ओके okay, करिश्मा एम नहीं आएगा करिश्मा वहां पे बट बाकी चीजें ठीक है सपोज करो आप इंटरव्यू में हो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछने से पहले पता है क्या करता है इंटरव्यूअर जो रहता है वो आपके सामने की स्टोरी नरेट करता है स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू किस तरीके की स्टोरी रहती है वो आपको बताता है इस तरह से कि लाइक आपका नाम सीनूल एग्जाम्पल सीनू लाइक मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ सीनू मेरे सामने तो कि एक्चुअली हमारी कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट पे वर्क करी पिछले ग्यारह महीने से ठीक है और हमने इस प्रोजेक्ट को अभी तक इतना बना लिया है और मुझे थोड़ा सा अब ये समझना है कि आपके व्यूज क्या है इस प्रोजेक्ट को लेके मैंने सारी चीजें बता दी अब मैंने क्वेश्चन रखा कि सीनू लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर आप पहले से अगर हमारी कंपनी में होते और अगर इस प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम कर रहे होते या ये प्रोजेक्ट हमने आपको ही हैंड कर दिया होता पहले जब यह प्रोजेक्ट असाइंड हुआ था तो आप इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस करते हैं इसे और बेहतर बनाने के लिए जिससे हमारे ऑडियंस का जो एक्सपीरियंस है वो और बेहतर हो पाए लेट्स टेक एन एग्जांपल अब सीनू क्या कर रहा है सीनू सोच रहा है तो जैसे ही जब ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ सीनू समय में पीछे गया कि जब ये प्रोजेक्ट उसे मिला होता और फिर वो आगे बढ़ गया उसने सोचा कि सर आई और आगे बढ़े वुड आ गया आई वुड would... अब उसके बाद जो भी काम करते सीनो ने सोचा कि यार ये दो फीचर्स और इसमें ऐड कर देंगे तो हो सकता है और हेल्प मिल जाए तो सीनू यहां पे बोल रहा है आई वुड एड these features as well मैं ये वाले नए features और add कर देता और ये features को फिर बाद में explain कर देना why no is there any reason behind it everybody got the point ये yes, सुनो no. Yes, sentence समझ में आया very good Shivi. fantastic कोई एक सेंटेंस आप लिखो जो भी आप समय में काम पीछे करते कोई भी एक छोटा भी काम हो सकता बड़ा भी काम हो सकता समय में पीछा हो सकता है कपड़े कलेक्ट करने हो बाहर से आई वुड कलेक्ट क्लोथ खाना सर्व करना I would serve, गाने सुनता I would listen to music, जो भी काम करते पीछे आके सोचो मैं ब्लैक कलर के कपड़े पहनता आई वेयर है ना जस्ट थिंक क्या काम करते द रीजन बिहाइंड आई ईट आइसक्रीम ग्रेट थोड़ी देर तो रुको I would read Ramayan Hanuman Chalisa. Okay. I would clean my house. Okay. Go on, hurry up. I would talk with my friends. I would learn English. I would check my social media. Hmm. I ING नहीं आएगा. I would shop something. ING मत लगाओ आरती. क्यों नहीं लाएगा ING मैं बाद में सिखाऊंगा. I would be an officer. B लगाओ वहाँ पे क्योंकि officer काम नहीं है निर्जला आप अपने बारे में बात कर रहे हो. B क्यों आता है मैं बाद में आराम से कहूँगा. आई वुड थिंक अबाउट माई करियर नोन इट टू यूज आई एन जी क्यों नहीं आएगा आई वुड सी आई वुड वॉच टीवी ऐसा बोलो वॉच लगा हुआ पे, दीपक सीन की जगह वॉच आई वुन टू म्यूजिक टॉपिक इज क्लियर वी विल मूव ऑन टिल सो हाउ इज द जोश नाउ एवरीबडी हाउ इज द जोश इज इट हाई सर्व में ईडी मत लगाओ आई वुड सर्व फूड हाउ इज द जोश इज इट हाई ओके दैट्स ग्रेट देन लविंग योर एनर्जी एच आई जी एच हाई हाई एनर्जी ओके मजा आ रहा है अब मुझे ओके आई होप यू आर आल्सो एंजॉयिंग देखो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह रखोगे बहुत मजा आएगा ओके मूविंग ऑन गाइस नेक्स्ट थिंग अब देखो एक इंग्लिश की प्रॉब्लम बताता हूं आपको यह तो समझ में आया कि थिंकिंग करना कैसे ये जो एक टॉपिक मैंने बताया क्योंकि पूरी इंग्लिश एक दिन में नहीं कर सकते एवरीबडी बट हर चीज को जो आप सोच रहे हो उसे अगर वर्ड देना आ गया तो आप कभी भी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होगा माई गारंटी यू नीड टू नो दैट वॉट इज द पॉइंट दैट यू वॉन्ट टू मेक ओवर देयर ऑटोमेटिकली इट विल कम नेचुरली लोग बोलते हैं ना लाइक like, मुंह से वर्ड ऑटोमेटिकली बाहर आना चाहिए द थिंग सोचोगे आएगा पता ही नहीं क्या बोलना है तो नहीं आएगा वेरी गुड करिश्मा थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कवर करेंगे आपके सुनाओ द बिग्गेस्ट प्रॉब्लम इन इंग्लिश इज दैट अगर आप चीजों को नहीं समझोगे इफ यू डो नॉट अंडरस्टैंड डो नॉट थिंक इफ यू जस्ट ट्रांसलेट विद्प ऑफ रूल्स आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे क्योंकि जब बड़े सेंटेंस आते हैं पता नहीं चलता की दो दो तीन तीन रूल कैसे लग गए बट समझोगे तो नहीं होगा सेकेंड प्रॉब्लम इसमें यह रहती है एवरीबडी इसमें पता है एक ही वर्ड बहुत सारे मीनिंग देता है पता वुड के बहुत सारे यूजेस है कैन और कुड के बहुत सारे यूजेस है, है के बहुत सारे यूज़ेस है फिर हमें लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कभी तो है वैसे आता, कभी ऐसे आता है कभी वुड ऐसे आता है कभी ऐसे आता तो ऐसा क्यों होता है सर एम आई करेक्ट एवरीबडी नोटिस क्या है देर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ वुड डू यू अग्री यस ओ नो कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं आपको पता है डू यू नो देर आर सेवन डिफरेंट यूज ऑफ वुड not one two or three there are seven different uses of would it means sentence are always same but the meanings could differ आज देखते हैं कितने कवर होते हैं यहाँ पे टाइम जितना मैं परमिट करेगा नाइन थर्टी तक हम बहुत सारी चीजें करने वाले क्योंकि वॉकेबलरी वगैरह भी देखना है ठीक है तो दो तीन अपन लेंगे बट समझेंगे तो आप उसे कभी भी भूलोगे नहीं देखो इंग्लिश में मैंने नोटिस ये किया है कि अधिकतर लोग बोलते हैं कि सर ये टॉपिक सबसे डिफिकल्ट होता है तो मैंने बोला कि डिफिकल्ट अगर हमने इजी बना दिया तो इजी तो फिर इजी ही है ठीक है तो इसलिए अपन ने इसको इजी बनाया चलो नेक्स्ट थिंग जस्ट टाइप टू द चैट बॉक्स तो आपके माइंड में रहेगा कि अब दूसरा माइंड सेट बिल्ड करने वाला हूं मैं आपके माइंड में पहला था समय में पीछे जाके आगे बढ़ना उसको छोड़ दो अब एक नई थिंकिंग जैसे आप बड़े हो रहे हो बच्चे से बड़े हो रहे हो ना तो एक नया थॉट आपके माइंड में आने वाला आप उसे बोलना सीखेंगे जस्ट टाइप टू the second use of wood that you are going to learn today that's great then shivi hurry up everybody kindly two inside the chat box just type two. and again i don't know aapne abhi tak apna name aur number drop kiya ya nahi kiya agar aapne apna number aur name drop nahi kiya everybody inside the chat box please do type your name and number inside chat box it's my humble request kyunki otherwise main pata nahi kar paunga एक बार मैं देखता हूँ कि class में कौन कौन है फिर अपन आगे बढ़ेंगे Like I can see, Vishal is here, श्रेया is here. यहाँ पे दो श्रेया है. सो so, दोनों श्रेया सेम है या अलग अलग है आई एम नॉट श्योर दो मोबाइल से ज्वाइन किया है या अलग अलग श्रेया देन शिवी है देन श्रेया अपने अपने फुल नाम लिखो ना प्लीज डू टाइप फुल नेम श्रेया देन शिवी शैलेन्द्र मुस्कान इज सनिका संगीता इज देन समीरन एम आई करेक्ट वन प्लस अलग है श्रेया शुक्ला ओके नंदनी मौर्य निर्जला निधि नेहा नीतू नरगिस मनीषा कोनार के जियर ओके करिश्मा एंश्या कुमारी गुप्ता ओके डू टाइप ऑफ सिटीज देम एज वेल चांदनी विप्लव अयाज अश्विनी आरती अदनान ओके अर्चना आर यू हियर यस ओ नो आई एम नॉट श्योर आर यू हियर अर्चना क्योंकि मैंने नेम आपका पहले रीड किया था अर्चना फ्रॉम देवास आर यू हियर प्लीज डू लाइट मीन आंसर द चैट बॉक्स इफ यू आर एंड अनिता एज वेल आई एम नॉट श्योर ओके मूविंग ऑन गाइस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फॉर द सेकंड यूज ओके सो फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर अ अनेकडोट विथ यू एनेक्डोट का मतलब होता है एक पर्सनल छोटी सी स्टोरी एक मेमोरी उसे हम एनेकडोट बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं ओके okay? जिसकी मदद मतलब से सेकंड रूल को सीखना आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रूल केस इज लाइक दैट एक बार की बात है मीन्स मैं मेरा फ्रेंड है एक निखिल और मेरा एक फ्रेंड है राहुल और भी मेरे दोस्त तो हम लोग तीन लोग साथ में बैठे हुए थे और भी दोस्त है पर्टिकुलर नाइट की बात थी जैसे दोस्त वगैरह मिलते हैं सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट सो सडनली जैसे हम बातचीत वगैरह कर रहे थे तो मेरा जो एक फ्रेंड है निखिल सो so निखिल सेट टू राहुल निखिल ने राहुल को एक चीज बोला सर टेक माई नेमर इ So, राहुल ने सॉरी निखिल ने राहुल को बोला कि राहुल जैसे अभी अपन रोज मिल रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे अपन अब नेक्स्ट वीक से मिल नहीं पाएंगे यार रोज अभी तो अपन रोज मिल लेते हैं अगले हफ्ते से अपन मिल नहीं पाएंगे सो so, राहुल आस्ट क्यों तू कहीं जा रहा है क्या मीन्स कहीं जाने वगैरह है क्या ठीक है अब देखो निखिल का आंसर क्या आया उससे पहले जस्ट अ ये मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्योंकि वो आगे के आंसर को समझने में आपको मदद करेगा मेरा जो फ्रेंड है ना एवरीबडी निखिल ही कम्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली वेल्दी मतलब आप समझ रहे हो वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है एक, एक यहाँ पे छोटा सा नोट है एवरीबडी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो दोस्त दोस्त होते हैं ठीक है बट आई थिंक कॉन्टेक्ट ले जरूरी इसलिए एड किया है सो so, बातचीत हो रही थी ऐसे ही तो निखिल ने बोला कि हाँ यार एक्चुअली क्या पापा के बिजनेस का कुछ काम आ गया है और वो नहीं जा रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा तो उन्होंने पता मेरी वीजा की प्रोसेस चालू करवा दिए और मैं निकल जाऊंगा जहां तक हुआ अगले हफ्ते मैं चाइना चाइना नहीं मैं जापान जा रहा हूँ आई विल गो टू जापान ठीक है आगे नेक्स्ट वीक वगैरह लगा लेंगे बाकी आई विल गो टू जापान दैट्स द थिंग दैट ही सेड ओवर देयर तो निखिल ने जब ये बात सुनी सॉरी राहुल ने जब ये बात सुनी निखिल से कि वो जापान जाएगा मीन्स आई विल गो टू जापान नेक्स्ट वीक लाइक दिस थोड़ी देर वो रुका उसने सुना समझा फिर उसने एक बात उसने बोली जो मैंने ऑब्जर्व करी उसने हिंदी में ही बोली थी बाद में उसने बोला था कि यार राहुल क्या निखिल एक दिन मैं भी जापान जाऊंगा यार अच्छी जगह है मुझे भी जाना है बट अगर पता उसकी इंग्लिश होगी तो बोलेगा आई वुड गो टू जापान अब देखो यहाँ पे समझना हिंदी का सेंटेंस दोनों के सेम है हिंदी में कुछ बदलाव नहीं हो रहा थिंकिंग के देखना अगर लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी तो बिल्कुल सेम है बट पता इंग्लिश बदल जाएगी अब ये बदल क्यों रही है ये चीज आपको समझना तो नेक्स्ट टाइम आप ये गलती नहीं करोगे रेडियो सीखने के लिए एवरीबॉडी डायरेक्टली कि एक सेकंड में माइंड में कैसे आएगा रेडी okay. देखो जब भी हम फ्यूचर में जैसे अभी आठ बज के पैंतालीस मिनट हो रहे हैं इस टाइम की बात करते हैं जब अपन आगे बढ़ने की बात करते हैं ना एवरीबडी फ्यूचर में अगर आप कोई भी काम करोगे कुछ भी जिसको लेके आप कंफर्म हो आपके मन में क्योंकि उस बात को कहने के पीछे कोई कारण है देर इज सम रीजन बिहाइंड दैट तो अपन आई विल बोलेंगे कि मैं करूंगा एग्जाम्पल के तौर पर एवरीबडी सेशन के बाद मैं तो डिनर करूंगा क्योंकि मैंने नहीं किया आपका पता नहीं मुझे आई विल ईट डिनर कंफर्म है ना क्योंकि भूख लग रही है एवरीबडी आई विल ईट डिनर अब देखो क्या होगा आई विल जिंदगी भर नहीं बदलेगा सिर्फ वॉकेबलरी चेंज होते लग जाती है और लोग ये स्टार्टिंग की दो चीजों पे फोकस नहीं करते वो वॉकेबलरी रटने में लगे रहते तो ना वो वॉकेबलरी यूज कर पाते ना वो बोल पाते

लाइक like एग्जाम्पल के तौर पे मैं वहां पे जॉब करूंगा ठीक है दो तरीके से थॉट एक तो वी आपने अप्लाई कर दिया सिलेक्शन होगा कि मैं वहां जाके उस फील्ड में वर्क करूंगा आई विल बहुत बार थॉट होता होता है है मन में से विचार होता है कि यार हुआ तो मैं ये काम करूंगा बट उसके नीचे कोई फाउंडेशन नहीं है वो बात पूरी हवा में डू यू अग्री देर इज नो फाउंडेशन देर इज नो रीजन देर इज नो कॉन्टेक्स जस्ट प्योर इमेजिनेशन और यू कुड से इट इज योर होप इट इज योर डिजायर कि एक दिन आप ये काम करोगे आई वुड तो जब भी आपके मन में ऐसा आता ना कि मैं ये काम करूंगा दैट इज आई वुड इसलिए राहुल ने बोला था आई वुड गो टू जापान एग्जाम्पल के तौर पर आजकल अधिकतर लोग बोलते हैं मैं अपना बिजनेस बिजनेस करूंगा आई वुड स्टार्ट तो आप सामने वाले को अपनी इमेजिनेशन बता रहे हो अपना फ्यूचर होप बता रहे हो कि मैं ये करूंगा आई वुड स्टार्ट माई ऑन बिजनेस लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल रहे हो मैं एक दिन अमिताभ बच्चन से मिलूंगा आई वुड मीट तो देखो पहले आई बोलो धीरे बोलना और जैसे ही फ्यूचर में कुछ काम करोगे अगर वो रियल है आई विल बट रियल नहीं हवा में आई वुड फिर रुको फिर सोचो क्या करोगे आई वुड मिलने को क्या बोलते हैं मीट किसको मिलोगे अमिताभ बच्चन गॉट द पॉइंट अब इसी को डीप लेवल पे ले जाओ एक दिन वो आएगा लाइक like, वो मूवी में था ना मेरा करण अर्जुन आएंगे दे वुड कम ठीक है बट वो माँ की इच्छा थी तो वो बोलेगी दे विल कम क्योंकि उसके उसमें इच्छा बहुत ज्यादा थी बट एक नॉर्मल तौर पर अगर हम बोलेंगे तो हाँ आएंगे दे वुड कम वेन यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग जो भी आपका डिजायर है कि आप ये करोगे लाइक आप बोलते हो कि अगर हुआ तो यार आई वुड हाउस हियर जैसे आप बॉम्बे में चले गए ठीक है मुंबई में हो आप, आपके मन में एक विचार आया कि अगर हुआ तो मैं अपना एक घर खरीदूंगा यहाँ पे क्या खरीदूंगा एक घर खरीदूंगा अगर बना तो आई वुड बाय हाउस कितने लोगों को ये चीज समझ में आई एवरीबडी जो काम आप फ्यूचर में करोगे बस आपके माइंड में यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग राइट नाउ इट कुड बी एनी डीप में जा सकती है आपको अपनी थॉट को ध्यान रखना बाद में अपन रीडिंग को लेके भी चीजें डिस्कस करेंगे ऐसा कोई इच्छा है जो आपको लगता है कि आप कभी करोगे आपके मन में बट अभी आप श्योर नहीं हो उसको लेके प्लीज आई वुड गो इन साइड द चैट बॉक्स फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं बहुत डीप में ले जाने वाला हूँ और आई वुड स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश ग्रेट वन डे आई वुड स्पीको टू तर्क आई वु की सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरती लगाओ वहां पे ठीक है श्रेया बोल रही है एक बार रिपीट करो चलो मैं एक बार इसको रिपीट नहीं करता हूँ एक क्वेश्चन देता हूँ ठीक है श्रेया उससे आप समझ जाओगे और उसके बाद अपन थर्ड यूज पे चलेंगे फिर अपन स्टार्ट कर हैं आपको डिड यू फील टाइम आई वु इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज दैट ग्रेट माई फेंटास्टिकुड बिकम टीचर वेरी गुड नी टू बिकेम नहीं आएगा बिकम आएगा चलो सो दैट नेक्स्ट थिंग सोचो ध्यान से सुनना श्रेया आपके लिए ये चीज ठीक है और बाकी लोग समझोगे कोमल इज फैजान इज सिफत इज इनाज दीक्षा थोड़ा सा दूर का दोस्त लिख दो अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो <laughs> दिव्यांशु इज रेनू एंड रंगोली इज इ अल्सिफा इजियस साहेल सफीना चलो लकी एवरीबॉडी लाइक आई डोंट नो लाइक मैक्सिमम लोग कुछ लोगों के दोस्त कॉलेज में बनते हैं कुछ के बचपन से रहते हैं जिनके कॉलेज में बनते हैं अगर आप किसी और सिटी में स्टडी करते हो तो, तो देर माइट बी चांसेस कि वो किसी और सिटी से बिलोंग करेंगे तो आपके जो दोस्त है आपकी सिटी में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं ऐसा कुछ सी नहीं क्या पास रहते हैं दूर रहते हैं फिर मेरे क्वेश्चन को समझना और देखो आपके अंदर से फीलिंग आएगी मैं फील करवाऊँगा अब आपको सेम सिटी वेरी गुड न साहबा अभी तो दूर चले गया है सेम विथ मी एवरीबडी लाइक मेरा जो फ्रेंड है ना ओके जस okay, okay. मेरा जो फ्रेंड है ना एवरीबडी उसका नाम है सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हम लोग कॉलेज में दोस्त बने थे सो so, वो अभी बॉस्टन शिफ्ट हो गया एवरीबडी मीन्स वो यूएसए में राइट नाउ दो साल के बाद हम मिले थे अभी रिसेंटली अब पता नहीं अगली बार कब मिलेंगे अब मेरे क्वेश्चन को समझना क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलोगे या नहीं मिलोगे आने वाले टाइम में कभी भी हो सकता है एक दिन बाद मिलो दो दिन बाद मिलो तीन दिन बाद मिलो क्या आप अपने दोस्त से मिलोगे यस और नो जैसे मैं एवरीबडी मुझे नहीं पता मेरा दोस्त कब मिलेगा टाइम नहीं बट फिर भी कंफर्म है मैं मेरे दोस्त से जरूर मिलूंगा आने वाले टाइम में यस और नो

बेस्ट फ्रेंड की जगह मेरा नाम ले लो मैं आपका नाम लेता हम लोग तो इंडिया में ही है हमारे इन पर्सन मिलने के कितने चांसेस है फिजिकली मिलने के कितने चांसेस है 0 .1, 0 .2, 0 0 1, 2. बहुत रेयरली एम आई करेक्ट लाइक अभी मैं ग्यारह या बारह स्टूडेंट से मिला हूं आठ सौ में से अभी तक तीन साल में वो भी इसलिए क्योंकि उनकी सिटी में जाना हो गया था दैट्स द रीजन तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम एक दिन मिलेंगे So, देखो हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे बट देखो अभी हो पे हंड्रेड परसेंट उसके नीचे कोई फाउंडेशन नहीं वो दिल में से कंफर्मेशन नहीं आ रहा है वी वुड मीट वन डे आया समझ में कि फ्यूचर में कोई काम करेंगे अगर वो कंफर्म फीलिंग आ रही आई विल बट सिर्फ लग रहा है कि करेंगे आई वुड कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया टाइप सी तो अपन आगे बढ़ते हैं सो डू यू हैव एनर्जी फॉर दर्ड केस यो तीसरे के लिए एनर्जी है एवरीबडी ठीक वाला डिस्कस करें थर्ड केस डिस्कस करें या वॉकबुलरी वाला पार्ट डिस्कस करें वॉट डू से चलो ठीक है थर्ड केस डिस्कस करते हैं ठीक है मैक्सिमम वो लोग बोल रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आया दीपक क्या लिखा है आपने okay, okay, guys. अब पता आपने एक चीज रट रखी हुई है आई टू like कितने लोगों ने रटा हुआ आई वुड लाइक टू मैं चाहूंगा चाहूंगी आता है तो हम वुड लगा देते हैं आई वुड लाइक टू सीखना चाहते हो बना कैसे कि अगली बार डायरेक्टली आ जाए यू वॉन्ट टू लर्न दैट चलो सिखाता हूं मैं। थर्ड केस इज लाइक समझना फिर से कहानी बताता हूं कहानी तो नहीं है बट समझ लेना के तौर पे मेरे पास कुछ मूवी के टिकट्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं मूवी टिकट्स अब मैं तो अकेला हूं क्या करूं अब मैं तो मैंने कुछ नहीं करा मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया कि मेरे पास मूवी के टिकट्स रखे हुए हैं तू आएगा मेरे साथ देखो इंग्लिश सबसे प्यारी लैंग्वेज इसलिए लगती कि की की तो के के तो पहले लगा दो नाम के पहले क्वेश्चन बन जाएगा विल यू कम विथ मी मैंने मेरे दोस्त से पूछा मैं मूवी देखने जा रहा हूँ टिकट एक्स्ट्रा है तू आएगा मेरे साथ विल यू कम विथ मी तो उसने बोला कि हाँ यार भाई आऊंगा क्यों नहीं ही यस आई मैं आऊंगा अब क्या हुआ everybody? मेरे पास ज्यादा टिकट्स थे एक से ज्यादा टिकट्स टिकट तो मैं जहां पे जॉब करता हूँ ना वैसे मैं कहीं जॉब नहीं करता हूं, बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर जहां पे मैं जॉब करता हूँ सो द थिंग इज दैट वहां पर ना मुझसे एक थोड़े से सीनियर पोस्ट पे जो लोग हैं वो एक सर है वो भी खड़े हुए थे तो उनसे मेरी बातचीत अच्छी है तो मैंने पूछा कि सर मेरे पास मूवी के टिकट्स रखे हैं मैं हम दोनों तो देखने जा रहे हैं आप आ रहे हो क्या हमारे साथ तो देखो वो मुझसे बड़े तो मुझे प्यार से पूछना पड़ेगा ना तो जब आपको किसी से पोलाइटली कोई चीज पूछना है कि क्या आप ऐसा करोगे बिना डरे विल की जगह पे वुड वुड लगा देना वुड यू कम अब में विथ अस लगा देता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी दो लोग हो चुके हैं तो क्या आप हमारे साथ आओगे वुड यू कम विथ अस क्योंकि देखो तो दोस्त और हम बराबरी पे थे विल यू बट जब किसी से प्यार से पूछना है वुड यू और यहीं पर यही आंसर भी बोलते हो बोलेंगे डेफिनेटली यार मैं आऊंगा आई वुड आई वुड कम तो एक पोलाइट जेस्टर दिखाने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है जब आपको किसी से प्यार से कोई बात बोलनी है एग्जाम्पल के तौर पर इसी को और डीप में ले जाते हैं क्या हुआ लाइक फर्स्ट ऑफ नवंबर को एवरीबडी मेरा बर्थडे आता है एक नवंबर को सो so, मेरा बर्थडे मैं उनको लेके गया उनको नहीं सबको लेके गया पार्टी करने के लिए हम लोग डिनर विनर करेंगे साथ में तो मैंने पहले मेरे दोस्त से पूछा कि पहले मुझे ये बता दे तू ऑर्डर क्या करेगा तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कुछ जानना है तो अब आएगा वॉट पहले हाया ना का क्वेश्चन था अब ज्यादा चीजें चाहिए तो मैंने बोला वॉट यू ऑर्डर मैंने मेरा दोस्त से पूछा तू क्या ऑर्डर करेगा वॉट विल यू ऑर्डर देखो वॉट उससे पूछ रहा हूँ इसलिए विल यू ऑर्डर करने को ऑर्डर बोलते हैं वॉट यू ऑर्डर तो उसने बोला कि यार मैं देख रहा हूँ मैंने चल ठीक है तू देख ले इतनी देर में क्या हुआ वो सर भी थे मैंने बोला कि सर ये देख रहा है आप मुझे बताओ आप क्या ऑर्डर करोगे व्हाट वुड यू ऑर्डर क्योंकि वो मुझसे थोड़े से बड़े हैं ना एवरी तो मैंने सेम क्वेश्चन पोलाइटली बनाने के लिए वुड से रिप्लेस कर दिया व्हाट वुड यू ऑर्डर बात खत्म हो गई अब क्या हुआ इतनी देर में उन्होंने कि हाँ तुषार मैं भी देख रहा हूँ मैंने ठीक है इतनी देर में वेटर आ गया रेस्टोरेंट में जो रहता है अब देखो ये तो मेरे बॉस है तो मैंने बहुत प्यार से पूछा बट वेयर एस जो वेटर है उसके लिए कस्टमर है हम लोग एवरीबडी कस्टमर भगवान स्वरूप होता है आई होप यू नो इट सो द केस इज लाइक दैट वो आगे पूछेगा सर वॉट देखो पूछ रहा है ना वुड यू विल यू नॉर्मली पूछना प्यार से पूछना वुड यू उसने ना अपने सेंटेंस को और प्यारा बना दिया उसने लाइक और लगा दिया वॉट वुड यू लाइक टू ऑर्डर पसंद क्या करेंगे ऑर्डर करने में वॉट वुड यू लाइक टू ऑर्डर तो वो ऐसे बना है वो रटा हुआ नहीं है एवरेबडी लाइक like, क्या प्लीज यहाँ पे बैठोगे वुड यू प्लीज मैंने प्लीज लगा दिया लाइक की जगह देखो तुम यहां बैठोगे विल यू सिट हियर वुड यू प्लीज सिट हियर विल, विल के सारे को से रिप्लेस कर दो प्यारी आओगे प्लीज कम ऑन कैमरा तो मुझे अच्छा लगेगा आपको के यू कुड से क्लियर एवरीबडी जस्ट टाइप सी एल इन साइड बॉक्स इफ द टॉपिक इज क्लियर यू आर टीचिंग स्किल्स इज अमेजिंग थैंक यू सो मच न साहबा थैंक यू सो मच इट्स ओके ना देखो अगर आप कैमरे से चाहे हो तो कब तक डरते रहोगे मैंने स्टार्टिंग में माइंडसेट के लिए यही बात बोली थी एक दिन तो वो डर निकालना पड़ेगा ना एक चीज याद रखना देखो मैं आपको एक लर्निंग सिखाता हूँ जिंदगी भर याद रखना हम पता है बहुत बार बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में मिस करी और मैं रिग्रेट करता हूँ हमें पता है ऐसा लगता है कि यार अभी मैं करूंगा तो यार कैसा लगेगा ये क्या सोचेगा मैं बेकार तो नहीं लगूंगा ऐसा होता है एवरीबडी डू यू फील सो इट्स ओके नया कोई प्रॉब्लम नहीं अगर किचन में भी तो चालू कर सकते हो कैमरा कोई प्रॉब्लम नहीं सो द पॉइंट इज दैट एक बात मैं जो मेरे माइंड में रखता हूं आई डोंट नो आपको लेना आप ले लेना आपके काम आएगी जो मुझे हमेशा हेल्प करती है मेरी लाइफ में सिर्फ एक रूल रहता है अगर मुझे कोई भी काम करना है अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि यार कैसा लग रहा हूँ मैं पूछता हूं अपने आप से कि अगर मैं दस साल बाद सोचूंगा तो क्या इस पर्सन को ये याद रहेगा मैंने ये गलती करी थी अगर उसको याद नहीं रहेगा तो फिर मैं केयर ही नहीं करता हूं क्योंकि मुझे याद रहेगा कि उस दिन मैंने काम नहीं किया था किसी और की वजह से तो वो मुझे लाइफ टाइम हॉन्ट करेगा तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज से दस से बीस साल बाद सब भूल जाएंगे सबको अपनी लाइफ में बहुत सारे काम हैं सो यू डोंट नीड टू केयर अबाउट अदर्स आपको अपनी फैमिली के लिए केयर करना खुद को जिस चीज़ की जरूरत लग रही सारी चीजें ट्राई करो दैट्स इट क्योंकि आपके मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपको बुरा फील कराएगा दूसरे को क्या फील हो रहा है क्या पता क्योंकि वो भी यही सोच रहा है कि आपको क्या लग रहा है सो प्लीज ग्रो अप फ्रॉम देयर एम आई क्लियर एवरीबडी यहां तक याद रहेगा जब भी लगे करना या नहीं करना सोचना दस साल बाद रिग्रेट होगा क्या अगर होगा तो अब भी करो उसे दैट्स इट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़े अपन रेडी ओके गाइस सो वंस अगेन एनर्जी है एवरीबॉडी एक घंटा हो चुका है हमें डू यू हैव एनर्जी

एक घंटा हो गया क्योंकि साइंस भी बोलता है कि हम पैंतालीस मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं हमें पंद्रह मिनट ऊपर हो चुके हैं ओके गो ऑन एवरीबडी चलो अगली चीज डिस्कस करते हैं देखो अब आते हैं वॉकेबलरी वाले पार्ट पता देखो वॉकेबलरी मैं आपको एक फील कराता हूं दो प्रॉब्लम होती है पहली चीज तो क्या होती है वॉकेब्लरी याद है तो यूज नहीं कर पा रहे बहुत बार याद ही नहीं आती वॉकेबलरी क्या करना है दोनों प्रॉब्लम आती है करेक्ट बहुत बार हैब्लरी याद है बट यू आर अनबल टू यूज दैट थिंग वो सी सिरा हुई है बहुत बार रट के भूल जाते हैं तो ये दो अलग अलग चीजें एक तो ये कि जो रटी वो याद ही नहीं आ रही है एक वो याद है है बट यूज नहीं आ रही आर टू इन यू एम आई क्लियर शुड वी मूव ऑन फॉर द द बोथ केसेस तो मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसकी मदद से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना एवरीबडी ध्यान से सुनना एवरीबडी कैन आंसर सो जब सूर्य निकलता है एवरीबडी जब सूरज निकलता है तूरे निकल रहा है सुबह का टाइम है उस समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आंसर मी गलत हो गया संगीता रट के रखा है आपने है ना सनराइज हरी हरिया चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सनराइज चलो एक और क्वेश्चन है आई हैव वन मोर देखो इस पर बहुत डीप में चलेंगे फिर अपन जब सूर्य ढलता है एवरीबडी उस समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सूर्य ढल रहा है उस समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो लोग लेट आए if you haven't typed your name and number it is my humble request please do type your name and number in the chat box चलो ठीक है श्रेया। वैसे समुद्र में सूर्य डूबता ऐसा कहते हैं उस ऊपर निकलता है स्काई में नहीं डूबता है ठीक है श्रेया? चलो ठीक है अब देखो आपसे गलती क्या हुई है आई डोंट नो whether you have felt this thing or not in your entire life many times पता हम लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं कि 101% हमें पता हमने सही करा है बट बाद में हमारा पचका हो जाता है कि कुछ गलती कर दी हमने हैज इट एवर यू कि हमने बहुत कॉन्फिडेंट होकर आंसर आंसर किया बट बाद में पता चला कि तो गलत था ठीक <laughs> है चलो ठीक है देखो आप समझना है यहाँ पे मैंने जानबूझ करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ये बहुत सिंपल है बचपन से पढ़ते आए हो बट बचपन से क्या हुआ आपने थोड़ी सी गलती करी वो आपने समझा नहीं है चीजों को आपने रटा है तो रटी हुई चीजें डायरेक्टली आ जाती है तो हमें लगता है वो सही है ऐसा नहीं होता किसी चीज को बार बार पढ़ना सही नहीं होता देखो सनराइज को ब्रेक करो आप सन और राइज दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है सन राइज का मतलब होता बढ़ना जैसे वाटर लेवल भी राइज होता है ना जब बारिश बहुत होती राइज का मतलब होता है उठना तो सनराइज का मतलब था जब सूर्य ऊपर उठ रहा है ना उस प्रोसेस को अपन सनराइज बोलते हैं उस समय को सनराइज थोड़ी ना बोलते हैं देखो सूर्य उदय सूर्य के निकलने को बोलते हैं

देखो हमें सिखा था इंग्लिश में क्या बोलते हैं दो लोगों ने सही आंसर करा था ये गाने का नाम है इसको ऐसे याद रखना देखो एक गाना है शाम से सुबह तक तो शाम इसलिए डस्क जो समय रहता ना, है ना बड़ी जब सूर्य ढलता है दैट इज रेड क्रिम्सन कलर दैट टाइम पीरियड वी कॉल डस्क क्या बोलते हैं उसे डस्क और जब सूर्य निकलता है उस समय को हम बोलते हैं डॉन क्या बोलते हैं डॉन फोटो ले लो जब सूर्य ढल रहा है अपन जैसे स्टोरी लगाते ना कितना प्यारा सनसेट है एवरीबडी पूरी शाम शाम बहुत प्यारी है वॉट अ ब्यूटीफुल डस्क अ व्यूटीफुल डॉन गॉट द पॉइंट नॉट याद रहेगा एवरीबडी तो फिर मैं डीप में लेके चलूंगा आपको आर यू रेडी ये याद रहेगा जैसा yes ना no? सूर्य निकलना उस समय को डॉन बोलते हैं क्योंकि मॉर्निंग तो बारह बजे तक रहेगी एवरीबडी और सूर्य निकलना सनराइज हो रहा है अब देखो समझो ये क्या हुआ आपकी लाइफ में एक प्रोसेस हुई कि आपने दो नए वर्ड सीखे आज ठीक है बट ये दिमाग पे वजन दे रहे हैं एवरीबडी यहाँ पे यूज क्या है इनका किसी ने बोला तुम्हें पता सुबह को क्या बोलते हैं आपने बोला कि हाँ मुझे पता है डॉन बोलते हैं और जब सूर्य अस्त होता है तो उसे उस टाइम को क्या बोलते हैं मुझे पता है डस्क बोलते हैं है ना तो ये हमने रट लिया बट अब इसका करे क्या हम कोई बात नहीं निधि कोई बात नहीं करेगा इसका चलो तो अपन अच्छा मैगजीन कितने लोग पढ़ते हैं कभी न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह रीड किया कहीं पे अच्छा कोई आर्टिकल वगैरह हैव यू एवर रेड अ गुड आर्टिकल और समथिंग अ मैगजीन और समथिंग वहां पे ना बहुत अलग अलग वॉकेबुल यूज होती है जो हमने पढ़ी नहीं होती तो हम कहते क्या लिखा है ऐसा होता है ठीक है मतलब जो हम पढ़ के आए वो तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है ये पता नहीं क्या लिख रहा है ओके सो द केस इज लाइक दैट देखो इंग्लिश के अंदर और हर भाषा के अंदर जब हमें कुछ लिखना रहता अच्छे से प्रेजेंट करना रहता तो सामने वाला हर चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए तो हम एक चीज को समझाने के लिए दूसरे से कंपेयर कर देते हैं जो चीज हमें याद रहती है लाइक like जब एक पोएट अगर कविता भी लिखता तो किसी की अगर सुंदरता का व्याख्या करता है तो वो झरने से या कभी माउंटेन से अलग अलग चीजों से कंपेयर करता है या सुनो हवाओं से सेम चीज यही सभी लैंग्वेज में होती है देखो आप समझो थोड़ा सा क्रिएटिव बनाता हूं मैं आपको डॉन का मतलब होता क्या एवरीबडी एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें नया दिन शुरू हो रहा है एक नए दिन की शुरुआत के समय कोई डॉन बोलते हैं ना और डस्क क्या होता है कि ऐसा टाइम जिसमें बहुत प्यारा दिन अब एंड पे आ गया बचा ही नहीं कुछ करने के लिए खत्म दिन रात होने वाली है सो so एवरीबडी एक बात बताओ इंडिया में डिजिटलाइजेशन का डॉन पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है अभी अभी तो हमने थोड़ा सा यूज करना चालू करा है टेक्नोलॉजी को अभी तो और आगे यूज करेंगे हम डू अग्री है सुनो ये देखो लाइन है पूरा मत पढ़ना आएगा भी नहीं द डॉन ऑफ डिजिटल एज एक एसी एज शुरू हो गई इंडिया में किसकी द डॉन शुभ सुबह किस चीज की सुबह है डॉन ऑफ डिजिटल एक ऐसा है जिसमें एक नई चीज उभर रही है